Hi viewers, welcome back to Sunrisers Education Villa. Today our topic is homophones. Are you aware of the term homophones? If you are in the process of improving your English, this video will surely help you. You may find a couple of words that would be new to you. So keep watching the full video. Before we begin with homophones, meanings and examples, let's go through an example. You have 4 hours for solving the query. In this sentence, 4 is used 2 times. One is F-O-U-R and one is F-O-R. In this example, 4 and 4 are the words with the same pronunciation but different meanings and spellings. And these are called homophones. In your daily life, you might have come across many words like these. These are simple words and easy words, and also this is very easy topic to understand. Let's take some more examples. You can see on the screen pear and peer, steel and steel, beer and bear, peace and peace, pale and pale, night night. So many words are there. बहुत सारे homophones होते हैं जो आपने सुन भी रखे होंगे, आप daily life में use भी करते हैं. जैसे कि first हम लेते हैं bear और bears को. The trees are already bare. इट मीन्स इस पर कोई पत्ते कोई फूल कुछ नहीं है. एंड आई एम अफ्रेड ऑफ बियर्स, मतलब बियर से डर लगता है. सिमिलर साउंड है बट इनकी स्पेलिंग्स अलग हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं बी और बी, स्पेलिंग्स देखिए, एक में बी ई है और एक में बी डबल ई है. इतना ही डिफरेंस है, लेकिन इतने से डिफरेंस से इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है. बीच और बीच में आप देख सकते हैं, बीन और बीन में देख सकते हैं, ब्लू एंड ब्लू में देख सकते हैं, बोर्ड और बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं. ये कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सब जानते हैं इनके बारे में. तो इन एग्जांपल से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि होमोफोन्स में क्या होता है. सेम साउंड होता है. होमो का मीनिंग है सेम और फोन से आपको साउंड ही सुनाई देता है, इसका मीनिंग है सेम साउंड. तो होमोफोन्स को हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. चलिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. फर्स्ट, वर्ड्स विच साउंड्स द सेम बट देयर स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट. इट मीन्स साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो. और वी कैन से वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग. अलाइक मतलब सेम, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन मीनिंग में और स्पेलिंग में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. एक और डेफिनेशन ले लेते हैं. ए करेक्टर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस द सेम एज अनदर करेक्टर और ग्रुप. मतलब इसमें भी क्या है कि एक वर्ड होता है जो दूसरे की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होता है. Homophones are the pairs of words that sound the same but have distinctly different meaning and different spellings. तो overall आप कैसे भी बोल लीजिए, meaning यही रहता है कि similar sounding words से sound same होता है लेकिन meaning different होता है और spelling change होती है. Let's take some examples. Very easy examples हैं. आप सबने बचपन से ही सुन रखे होंगे, छोटे बच्चों को भी मालूम है tail क्या होती है, पूंछ होती है किसी भी एनिमल की, और टेल क्या होती है, टी ए एल ई टेल, जो कहानी होती है जो आपकी मम्मी या दादी माँ को सोते टाइम सुनाती हैं या बुक्स में भी आप पढ़ते हैं, स्टोरी रीडिंग करते हैं. तो टेल और टेल में साउंड सेम रहेगा लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट हम लेते हैं स्टील एंड स्टील, STEAL, स्टील इट मीन्स चुराना, चोरी करना. एंड STEEL, इट मीन्स धातु. कोई चीज़ स्टील की बनी होती है तो हम कहते हैं इट इज़ मेड ऑफ स्टील. तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि स्पेलिंग चेंज है, प्रोनंसिएशन सेम है, मीनिंग चेंज है. तो ये क्या होंगे, होमोफोन्स होंगे.
नेक्स्ट देखते हैं सी एंड सी। एस डबल ई सी मीन्स देखना, एस ई ए सी मीन्स सागर समुद्र। नेक्स्ट है राइट एंड राइट, आर आई जी एस टी राइट। राइट मीन्स सही, या राइट को आप दाहिना भी बोलते हैं। और डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मीन्स लिखना, राइटिंग वर्क करना। नेक्स्ट है एट एंड एट, ई आई जी एस टी एट, इट मीन्स आठ, जो कि हमारा नंबर होता है। और ए टी ई एट मैंने खाया, एट क्या है, हमारी वर्ब है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सन एंड सन, नर्सरी के बच्चों को भी पता होता है। एस ओ एन सन मैंने पुत्र, एस यू एन सन मैंने सूर्य, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। होमोफोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका साउंड सिमिलर है और इनकी स्पेलिंग चेंज है, मीनिंग चेंज है। नेक्स्ट लेते हैं न्यू एंड न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू मीन्स नया, के एन ई डब्ल्यू न्यू मीन्स कुछ जानना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। नेक्स्ट है चिली, सी एच आई डबल एल आई, चिली मिर्च जो कि आप लोग खाते हैं। एंड चिली सी एच आई डबल एल वाई, चिली मतलब चिल्ड वेदर, कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो बोलते हैं इट्स वेरी चिली। नेक्स्ट है आई एंड आई, ई वाई ई आई मीन आँख, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एंड आई मीन्स मैं सेल्फ। तो ये थे कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जिनसे आपको होमोफोन्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेंटेंसेस में ये कैसे यूज होते हैं। एग्जाम में सेंटेंसेस इस टाइप से आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें होमोफोन्स का आपको पेयर दे दिया जाता है, उसमें से आपको राइट पे क्लिक करना होता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स, हर शूज आर टू और टू स्मॉल, टी डब्ल्यू ओ टू और टी डबल ओ टू, इसमें से आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा आएगा। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि हर शूज आर टू स्मॉल, टी डब्ल्यू ओ टू के दो स्मॉल हैं, दो छोटे हैं। टी डब्ल्यू ओ टू का मतलब है कि बहुत छोटे हैं, तो आपको यहाँ पे टी डब्ल्यू ओ टू लगाना है। नेक्स्ट में देखते हैं, देयर इज एन ओनली चाइल्ड, सन और सन, तो यहाँ चाइल्ड की बात की गई है, तो आप एस यू एन तो लगा ही नहीं सकते, तो सिंपल है कि एस ओ एन सन लगाएंगे, कि उनका एक ही चाइल्ड है, जो उनका बेटा है वो उनका ओनली वन चाइल्ड है। नेक्स्ट देखिए, सी न्यू और न्यू, हाउ टू स्पीक फ्रेंच, इसमें आपको ये बताना है कि हिंदी में आपको ये बताया गया है कि वो जानती है कि स्पीक कैसे बोल, फ्रेंच कैसे बोलते हैं। तो यहाँ आप यही बताएंगे कि के एन ई डब्ल्यू राइट आंसर है, क्योंकि इसी का मीनिंग है जानना। एन ई डब्ल्यू का मतलब होता है नया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हर प्लान वॉज मैरी और मैरी इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में मैरिज करनी है, तो यहाँ पे एम ए डबल आर वाई मैरी है, ये मैरिज के लिए यूज होता है। और एम ई डबल आर वाई होता है जो खुशी के लिए होता है, कि हम खुश हैं, हैप्पी हैं, मैरी क्रिसमस जैसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैरिज की बात की गई है, तो आप एम ए डबल आर वाई लगाएंगे, मैरी। नेक्स्ट है, दे हायर्ड ए मेड मेड टू क्लीन द हाउस, स्पेलिंग्स देखिए, एम ए डी ई मेड होता है बनाना कुछ, मेक की ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। एम ए आई डी मेड होता है सर्वेंट, लेडी सर्वेंट, तो उन्होंने अपने घर के लिए एक मेड रखी, तो आप यहाँ पे एम ए आई डी यूज करेंगे। नेक्स्ट है, डू यू नो और नो हाउ टू बिहेव इन द पब्लिक, पब्लिक प्लेसेस पे कैसे बिहेव करना चाहिए क्या आपको मालूम है, तो जानकारी के लिए हम लगाएंगे के एन ओ डब्ल्यू नो। नेक्स्ट है, आई बाय बाय मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑनलाइन, इसमें बताया गया कि मैं बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन ही खरीद लेता हूँ, तो खरीदने के लिए हम यूज करते हैं बी यू वाई बाय को। नेक्स्ट है, हैव यूअर सीन सीन
माई कीज़, क्या आपने मेरी चाबियाँ देखी हैं? तो देखने के लिए SEEN हम लगाएंगे, जो SEEN ही है वो होता है सीन, कोई नज़ारा, कोई दृश्य आपने देखा हो। लेकिन इसमें ये पूछा है कि क्या आपने देखी है मेरी चाबियाँ, तो देखने के लिए SEEN सीन इज राइट आंसर। सी कट्स हर हेयर हेयर इन द समर, कि वो गर्मियों में अपने हेयर कट कर लेती है, तो हेयर के जो है हमारे सिर के बाल के लिए बात की गई है, तो हम HAIR लगाएंगे। नेक्स्ट है आई रीड द होल बुक ओवर द वीकेंड, तो इसमें ये बताया गया है कि वीकेंड में मैंने पूरी बुक पढ़ ली थी, तो पूरी के लिए, सारी बुक के लिए हम लगाएंगे WHOLE होल, ना कि HOLE होल। तो ये जो होल हो जाते हैं कपड़ों में या किसी कागज़ में, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा WHOLE। तो देखा आपने कितना इजी टॉपिक है होमोफोन्स का, हम सब यूज़ करते हैं, बस हमें यही नहीं मालूम था कि इनको होमोफोन्स कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। बुक्स में आपको अल्फ़ाबेटिकली दिए होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उनको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो रीडिंग करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ टाइम तक स्क्रीन पे आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको रीड करके आपको नॉलेज हो जाएगी। इनमें हिंदी मीनिंग भी दिए गए हैं और इंग्लिश मीनिंग भी दिए गए हैं। ये वर्ड्स आपको किसी भी ग्रामर बुक में भी मिल सकते हैं, वहाँ से भी आप इनको रीड कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, यहाँ से भी आप अगर रीड करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपको पूरी लाइफ बहुत काम आने वाली चीज़ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हांस होगी। तो कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।